हेलो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे फिल्मोरा में, वो है इमेज को जूम करना। आप इमेज को किस तरीके से जूम कर सकते हैं और उस जूम के साथ आप उसको किस तरीके से पैन में मूव करा सकते हैं इमेज को। जैसे कि फिल्मोरा में ऑप्शन अवेलेबल है, मोशन में जाके हम मूव कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो मोशन अवेलेबल है वो अपने अकॉर्डिंग जो मोशन दिया हुआ है उसी तरीके से मूव करेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बॉटम से उसको मूव करा लूँ, मैं राइट से मूव करा लूँ, मैं लेफ्ट से मूव करा लूँ, तो किस तरीके से करेंगे, चलिए हम देखते हैं आज फिल्मोरा के अंदर। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मकसूद एंड यू आर वाचिंग चकी हेल्प टिप्स। तो जैसे कि हमने अभी बात किया कि हमें फिल्मोरा में मोशन या इमेज को किस तरीके से मूव कराना है, हमें ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये तीन इमेजेस हैं जो मैंने इंसर्ट कर लिया है अपने वीडियो के सेक्शन में। और अगर इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एक डबल क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन अवेलेबल मुझे दिखता है, वो है मोशन। जब मैं मोशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोशंस अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग तरीके से मूव होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि जूम एंड जूम आउट का, जो यहाँ पे एक तो ये है जूम एंड जूम आउट का, जो कि आपको इस पे हाईलाइट दिख रहा है कि ये क्या करेगा। एंड ये है आपका जूम इन, थोड़ा और स्लो मोशन में है, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं जूम इन इसको करता हूँ तो ये आपके सामने उस तरीके से आ रहा है जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे गया और मैं अगर दूसरी इफेक्ट पे देता हूँ, दूसरी इमेज पे, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जूम इन हो रहा है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरीके से जूम इन ना करूं, मैं अपने अकॉर्डिंग करूं जैसे मैं चाहूं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा, मैं अभी इसको मोशन हटा देता हूं, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि इस इमेज पे करना है एक बार क्लिक, और यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है क्रॉप एंड जूम। आप वैसे राइट क्लिक करके भी यहाँ से जा सकते हैं क्रॉप एंड जूम में, और इसका शॉर्टकट है अल्ट सी। तो जब आप क्लिक करते हैं क्रॉप एंड जूम पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको दो पैनल दिखाई पड़ते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। जो दोनों पैनल है, एक पे प्रीव्यू दिखाई पड़ता है, जो इफेक्ट आप देते हैं वो राइट साइड में प्रीव्यू दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको टॉप साइड पे अवेलेबल मिल रहे हैं, पहला है क्रॉप एंड दूसरा है पैन एंड जूम। जब आप क्लिक करते हैं पैन एंड जूम पे, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दो हाईलाइटेड स्क्वायर मिलते हैं, पहला स्क्वायर जो कि आपको दिखता है पूरे इमेज पे हाईलाइटेड, और दूसरा स्क्वायर दिखता है एक शॉर्ट एरिया पे। तो जैसे ही आप ये दूसरे स्क्वायर शॉर्ट एरिया पे क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक पोर्शन, एक स्क्वायर पोर्शन जो कि आपका हाईलाइट हो जाता है। अब जब आप चाहते हैं कि उसको मूव कराना, इमेज को किस तरीके से कहाँ पे मूव कराना चाहते हैं, सपोज अगर मैं इसको कराना चाहता हूँ थोड़ा सा राइट, राइट में अप मैंने करा दिया। अब अगर इसका मैं मोशन देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देखिएगा कि ये किस तरीके से मूव हो रहा है। तो आप इस तरीके से उसको राइट भी कर सकते हैं, सपोज अगर आपको राइट नहीं करना है और आपको कहीं और करना है, तो आप इसको फिर से यहाँ से क्लिक करके और आप कहीं और ले जा सकते हैं। बट अगर आपको इसकी सेटिंग को रिसेट करना है तो क्लिक करिए इस पे और हो गई सेटिंग रिसेट। अगेन अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। आप देखिए ये वहाँ मूव ना हो के ये बॉटम साइड पे मूव हो रही है। अब अगर मुझे इसको यहाँ ना करके फिर से, मैं रिसेट कर रहा हूँ, और अगर मुझे यहाँ ना करके फिर से कहीं और करना है, तो मैं, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये रही पैन एंड जूम की सेटिंग, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वो जूम को किस तरीके से पैन में जाके कस्टमाइज करके जूम कर सकते हैं स्लो मोशन में। हाँ, एक चीज़ और है, अगर इस स्लो मो इस जो जूम अभी आपने किया यहाँ पे देखा, अगर उसको आप और स्लो मोशन में जाना चाहते हैं लेके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस इमेज को थोड़ा सा और
बढ़ा देना है। जैसे ही आप इस इमेज को बढ़ाएंगे तो ये मोशंस और स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने मोशन को स्लो भी कर सकते हैं आप। तो ये रही तो जूम एंड सेटिंग का ऑप्शन, जो कि मैंने सिर्फ एक इमेज पे इफेक्ट दे रखा है। अगर आप देखेंगे कि जो मैंने दूसरी और तीसरी इमेज दे रखी है उसमें ये ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा है, तो वहाँ पे वो इमेज नॉर्मल आएगी और चली जाएगी। तो ये रहा आज का एक वीडियो जिसमें मैंने आपको ये करके दिखाया कि किस तरीके से आप इमेज को जूम कर सकते हैं, और मोशन में जाके ज़रूर कर सकते हैं, बट वहाँ पे कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इमेज को मूव नहीं करा सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। बट जूम पैन में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वहाँ पे आप जाके जूम कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई सुझाव हो जो आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं।